भारत में धर्म संकट पर है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है यूएस की एक संस्था USCIRF यानी द यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, जिसकी स्थापना IRF यानी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत यूएस की फेडरल गवर्नमेंट ने 1998 में की थी। इसके अभी कुल 15 मेंबर्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। इनकी हर एक साल एक एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें दुनिया भर में रिलीजियस बेस्ड कंट्रीज में क्या चल रहा है उसके बारे में होता है, और इस साल की रिपोर्ट में इन्होंने भारत को पाकिस्तान, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान की लिस्ट में खड़ा किया है। इस रिपोर्ट में पूरा जानते हैं कि और उन्होंने इंडिया के बारे में क्या क्या कहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। मेरा नाम है प्रीतम यादव और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी क्रंच। उनकी रिपोर्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है और इसका वीडियो भी काफ़ी लंबा चौड़ा बनना चाहिए, लेकिन इतना समय किसी के पास नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ की पॉइंट्स लेके आया हूँ जो वह कहने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ड मेरे नहीं है, ये वर्ड USCIRF के हैं। वह कहते हैं, मई 2019 में बीजेपी के फिर से चुने जाने के बाद राष्ट्रीय सरकार ने अपनी मजबूत संसदीय बहुमत का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को लागू करने के लिए किया जो पूरे भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, विशेष रूप से मुसलमानों के लिए। फिर वह कहते हैं, भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA लागू किया था। वह गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उन्होंने प्रवासी यानी माइग्रेंट्स को टर्माइट यानी दीमक की तरह मिटाने के लिए कहा। फिर वह कहते हैं, हिंदुओं को बचाने के लिए अमित शाह और बीजेपी के अधिकारियों ने CAA और NRC की वकालत की। उन्होंने UP के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उदाहरण लेते हुए बताया कि वह anti-CAA प्रदर्शनकारियों को बिरयानी नहीं बुलेट खिलाया जाने की बात करते हैं। वह आगे कहते हैं कि अकेले उत्तर प्रदेश में 25 लोगों की मौत हुई और पुलिस ने विशेष रूप से मुस्लिम को लक्षित किया। इसके बाद अगस्त में राज्य ने मुस्लिम बहुल राज्य जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को रद्द कर दिया और धार्मिक स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले प्रतिबंध लगा दिए। वह यही नहीं रुकते हैं बल्कि कहते हैं, भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग बढ़ गई है। झारखंड में एक मुस्लिम तरवेज अंसारी को एक भीड़ ने मार दिया। इसके बाद अक्सर जबरन धर्मांतरण के आरोपों के साथ ईसाइयों के खिलाफ 328 हिंसक घटनाएं हुई। इसके बाद वो कहते हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को 2019 अपराध डाटा रिपोर्ट से लिंचिंग को हटाने का निर्देश दिया। फिर वह कहते हैं कि फरवरी में दिल्ली में एक मॉब ने मुस्लिम इलाकों में हमले किए और गृह मंत्रालय के अंदर काम करने वाली पुलिस ने उसे रोकने की वजह सीधे उस हिंसा में भाग लिया जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए। USCIRF ने अमेरिकी सरकार से भारत सरकार के ऊपर कार्रवाई की मांग की है, जिसमें वह कहते हैं कि इंडिया को CPC यानी कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में रखना चाहिए। फिर वह कहते हैं, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज के जिम्मेदार अधिकारियों की संपत्ति फ्रीज की जाए या उन्हें US आने से बैन किया जाए। इसके बाद भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इंडिया US साझेदारी को बढ़ाया जाए। अब मैं कुछ शब्दों में इसकी समरी यानी सार बताता हूँ कि USCIRF क्या कहना चाहती है। तो उन्होंने इसका मुख्य कारण CAA, NRC और गौ रक्षा के नियम को बताया। इसके बाद वो बताते हैं कि BJP और RSS ने मिलकर हिंदूवादी संगठनों को बढ़ावा दिया और इसके कारण अक्सर मुस्लिम, क्रिश्चियन और दलित मॉब लिंचिंग के शिकार होते हैं। फिर वे कहते हैं कि बीजेपी के आने के बाद इस तरह के 100 मामले सामने आए जो कि 2010 के मुकाबले 98% ज़्यादा हैं। पुलिस की सहायता से अक्सर यह हिंदुवादी समूह मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा के अभियान चलाते हैं। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उनकी बात में बीजेपी ज़्यादा और भारत कम आया है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 का हटना धार्मिक बिल्कुल नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनेकों धर्म हैं, एक नहीं। तीसरी बात, तरवेज अंसारी के केस में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया जो उन्होंने नहीं बताया। और आखिरी, उनका पूरा मुद्दा CAA और NRC पर था और कुछ नहीं। अभी आपने इंडिया के बारे में सुना, अब जानते हैं पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान 1956 में एक इस्लामिक रिपब्लिक बन चुका है और वहाँ पे कोई भी बड़ी पोस्ट यानी प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की पोस्ट कोई गैर मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम नहीं ले सकता। वहाँ पे हर साल हजारों की संख्या में हिंदू सिख क्रिश्चियन लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब बात करते हैं चाइना की, तो चाइना में उइगुर, कजाक, किर्गिज और अन्य तरह के जो मुस्लिम हैं उनको 1300 से ज़्यादा कैंपों में डिटेन किया गया है। और इनको डिटेन इसलिए किया गया है क्योंकि उनकी लंबी दाढ़ियों की वजह से, उनके शराब ना पीने की वजह से और भी बहुत कुछ जो उनके धर्म को दर्शाता है।
तो इस लिस्ट में चाइना पाकिस्तान के साथ इंडिया को रखना कहाँ तक जायज़ है, आप अपने आप से पूछिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगता है। आपको बता दें कि इंडिया ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है और इस रिपोर्ट को बायस्ड करार दिया है। अगर आपको ये मैप दिख रहा होगा तो आप USCIRF के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वह क्या सोचती है। उनके हिसाब से एशिया और कुछ पार्ट ऑफ अफ्रीका में प्रॉब्लम है, बाकी का यूरोप और अमेरिका बिल्कुल सेफ है। मैं आपको USA के दो इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। पहला, जहाँ एक 6 साल का लड़का मोहम्मद सुलेमान अपने क्लास में अल्लाह बोला तो यह सब सुनते ही वहाँ के टीचर्स ने पुलिस को बुला लिया कि वह एक टेररिस्ट है। इसके बाद एक 14 साल का लड़का जिसका नाम था अहमद मोहम्मद, उसने अपने क्लास में एक डिजिटल क्लॉक बनाई और अपने टीचर को दिखाने गया तो उसके टीचर ने एक बॉम्ब समझ के पुलिस को फ़ोन कर दिया और पुलिस ने उसे अरेस्ट भी कर लिया, बाद में उसको छोड़ दिया गया। तो ये सब इंसिडेंट USA में हुए और इससे यह पता चलता है कि USCIRF जहाँ पर खड़ी हुई थी उसके चारों तरफ तो ध्यान से देखा लेकिन अपने नीचे ही देखना भूल गए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।